छात्राओं, कल की कक्षा में हम हिंदी एकांकी के भेद और उपभेदों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने कथ्य के आधार पर और प्रवृत्ति के आधार पर जिन एकांकियों का आधुनिक युग में सृजन हुआ, रचना हुई, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज की इस कक्षा में हम आगे के शिल्पगत आधार पर एकांकियों के भेदों और उपभेदों के बारे में हम बात करेंगे। तो हम उस विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि शिल्प के आधार पर एकांकियों के क्या भेद माने जाते हैं। शिल्प के आधार पर एकांकियों के अनेक भेद माने जाते हैं, जैसे रंग एकांकी, एक पात्रीय एकांकी, फैंटेसी, गीति नाट्य, झलकी, रेडियो एकांकी, एकांकी ओपेरा, अर्थात खुले मंच पर जिसको अभिनीत किया जाता है उसे एकांकी ओपेरा कहा जाता है। दृश्य और श्रव्य एकांकी, जिसे दूरदर्शन पर अभिनीत किया जाता है। नुक्कड़ एकांकी, ध्वनि नाट्य, इनमें से कुछ का परिचय इस प्रकार है। सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे दृश्य एकांकी की। जिन एकांकियों की रचना प्रक्रिया में रंगमंचीय उपकरणों को विशेष महत्व दिया जाता है, दृश्य विधान, संवाद योजना आदि का विधान रंगमंची में ये परिधि में किया जाता है, उसे दृश्य एकांकी कहा जाता है। आगे अगला है स्वगत एकांकी। जिन एकांकियों में पात्र अपने मनोभावों, अंतर्द्वंद्वों आदि का अत्यंत ही मार्मिक ढंग से व्यक्त करता है, उन्हें स्वगत एकांकी कहा जाता है। अर्थात जहाँ पर पात्र अपने मनोभावों को या हृदय में उठने वाले अंतर्द्वंद्वों को पाठकों के सामने रखता है या दर्शकों के सामने रखता है, उसे हम स्वगत एकांकी कहते हैं। रेडियो एकांकी, सीधा सीधा हम इसके शीर्षक से ही अर्थ लगा सकते हैं, अर्थात जिसे रेडियो के माध्यम से प्रसारित किया जाता है वो रेडियो एकांकी कहलाते हैं। वातावरण एवं दृश्यों का निर्माण शब्दों एवं ध्वनियों के माध्यम से होता है, जहाँ पर रंगमंचीय उपकरणों की सीमा में नहीं बंधना पड़ता, उसे हम रेडियो एकांकी कहते हैं। अर्थात हम बहुत बार छात्राओं देखते हैं, सुनते हैं कि रेडियो में किसी एकांकी के बारे में वर्णन किया जाता है जहाँ पर पात्र अपने विचारों को, भावों को रखते हैं, जहाँ पर रंगमंच कहीं से भी से बंधे हुए नहीं होते हैं, उन एकांकियों को हम रेडियो एकांकी कहते हैं। फैंटेसी अर्थात कल्पना, जिन एकांकियों की कथा कल्पना पर आधारित होती है, जिसके माध्यम से हम अलौकिक दृश्यों को देखते हैं, अत्यंत गूढ़ संवेदनाओं की अभिव्यक्ति से जुड़ते हैं, उन्हें एकांकी फैंटेसी भी कहा जाता है। जहां कल्पनाएं प्रधान होती है उसे हम फैंटेसी एकांकी कहते हैं। इस तरह छात्राओं हमने एकांकी के तीन आधारों के आधार पर उपभेदों के बारे में, एकांकियों के बारे में जाना, समझा। पहला प्रवृत्ति के आधार पर, दूसरा कथ्य के आधार पर और तीसरा शिल्प के आधार पर। तो संक्षेप रूप में हम ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में एकांकी के स्वरूप का निरंतर विकास होता रहा है और इस विधा में निरंतर नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसके कारण एकांकी के भी और उपभेद भी प्रचलित हो रहे हैं, जिन्हें हम देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल में भी एकांकी निरंतर अपने विकास की ओर अग्रसर हो रही है, विभिन्न भेदों और उपभेदों के माध्यम से। नमस्कार।